हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के मेरे इस वीडियो में। आज का मेरा ये जो वीडियो में आप डिज़ाइन देख रहे हैं, वही आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है वाइट कलर का ऊन, आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं। तो चलिए, नॉट लगाने के बाद हम चेन बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये आठ। धागा थोड़ा लंबा खींचेंगे और धागे को क्रेशिया के ऊपर लेते हुए लास्ट वाले फंदे में से हम इसको कंटिन्यू इस तरह से बुनाई कर लेंगे। धागा आप जितनी बार निकालेंगे और जितना ज़्यादा बार लेंगे उतना ही बड़ा आपका डिज़ाइन बनेगा। तो चलिए गिन लेते हैं, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, ये पंद्रह। यहाँ पे मैंने 15 बार इसको बुना है और ये जो क्रोशिया को हम निकालेंगे और लास्ट का जो फंदा है इस तरह से हम इसको इसमें लेते हुए हम इनको अलग अलग कर लेंगे इस तरह से। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए और बीच में से हम थोड़ा धागा खींच लेंगे। बीच में से लेते हुए इस तरह से हम इसको बुन लेंगे। फिर से चेन बनाएंगे इस तरह से। फिर जब हम इस डिज़ाइन को बनाते हैं और हम अपनी झालर में इसको ऐड करते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। मैंने भी इसकी एक झालर बनाई है बट अभी मैं उसको आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। अभी मैंने इसको कैसे बनाया है बस इसी का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ व्यूअर्स के आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। हमें आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, तो हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए, इस तरह से हमारी एलर बनके तैयार हो चुकी है। आप इस डिज़ाइन को किसी भी झालर में ऐड कर सकते हैं जैसे कि हमने किया है और इसमें हमने पॉम पॉम भी लगाया जो बेहद खूबसूरत लग रहा है। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।